हेलो फ्रेंड, आज हम आपको साल 2021 के नोबल साहित्य पुरस्कार विजेता के बारे में बताएंगे, या यूं कहे चुने हुए व्यक्ति के बारे में। तंजानिया लेखक अब्दुल रज्जाक गुन्ना को साल 2021 के नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साहित्य के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने गुरुवार को यह घोषणा की है। ओल्सन ने गुन्ना को उत्तर औपनिवेशिक काल के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और अलग अलग महाद्वीपों व संस्कृतियों के बीच शरणार्थियों के दर्द को बयां करने में गुन्ना का योगदान सराहनीय है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत गुन्ना को एक स्वर्ण पदक के साथ 11,40,000 डॉलर के लगभग 8.8 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। गुन्ना के उपन्यासों में उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थियों की स्थिति का बेहद मार्मिक एवं काव्यात्मक वर्णन मिलता है। एक नज़र विजेता पर। 20 दिसंबर 1948 को जांजीबार सल्तनत में हुआ था अब्दुल रज्जाक गुन्ना का जन्म। 1966 में अरब नागरिकों के नरसंहार के दौरान ब्रिटेन भागे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से परास्नातक, 1982 में कैंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी, 1980 से 1983 के बीच नाइजीरिया के बेरो यूनिवर्सिटी कानों में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। 1984 में कैंट यूनिवर्सिटी से जुड़े, 2006 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य बने। प्रमुख साहित्य रचनाएं मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987, पिलग्रिम्स वे 1988, डार्टी 1990, पैराडाइज 1994, ए बाई द सी 2000, डिजर्सन 2005, माई मदर लिव्ड ऑन ए फार्म इन अफ्रीका 2006, लास्ट गिफ्ट 2011, द अराइवल्स टेल 2016, ग्रेवल हार्ट 2017, द स्टेटलेस पर्सन्स टेल 2019।